सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 4 के सेक्शन 28 और 29 और श्रीराम नगर परिसर में आज सुबह के समय आवारा कुत्ते ने 15 से ज़्यादा लोगों को काटने की घटना सामने आई, जहां इस कुत्ते ने एक सफाई कामगार को भी काट लिया। कुत्ते द्वारा इस तरह से सभी को काटने के चलते परिसर में भय का माहौल बन गया था। कुत्ते के काटने के डर से लोग डंडे लेकर घूम रहे थे और बच्चों को घर से बाहर निकलने की जैसे मनाही हो गई। इस घटना को लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका के पास इस बात की शिकायत की गई, पर उल्लासनगर महानगर पालिका के पास कोई भी व्यवस्था न होने से लोगों में नाराजगी है। आखिरकार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की तरफ से कुत्ते पकड़ने की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद श्रीराम नगर और आजू बाजू के परिसर में तलाशी अभियान कर आरोग्य विभाग की तरफ से एक गली में यह कुत्ता पकड़ा गया। काय पाहिजे तिथं भरपूर जणांना चावलं सकाळपासून, तो पालिकेच्या कर्मचाऱ्याला पण चावलं आता, तर आम्ही त्याला इकडे घेऊन आलो सेंटरला। कुठे झाली ही घटना? श्रीराम नगरच्या आसपास, म्हणजे पुरम हॉटेलच्या खाली श्रीराम नगरच्या आसपास झाली। किती लोकांना चावला असेल तो? भरपूर लोकांना चावला, तरी पण 15-16 जणांना चावला असेल तो सकाळपासून। कुत्रा डायरेक्ट अटॅक करतो, डायरेक्ट समजा आता चाललं ना समोर माणूस, तो पाटून डायरेक्ट चावतो। कर्मचारी काय करत होते? कर्मचारी काम करत होते तिथं। इन दिनों लगातार शहर में ऐसे आवारा कुत्तों से परेशान शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए कोई भी व्यवस्था महानगर पालिका के पास नहीं है, जिस वजह से लोगों में नाराजगी है। हाँ, मला सकाळीच आमच्या विभागातल्या लोकांनी सांगितलं आणि काही पत्रकार बंधूंचेही मला फोन आले, तर ही गोष्ट सत्य आहे की ते 20-25 लोकांना चावा घेतल्याचं समजतंय, पण त्यानंतर आपण लगेच कारवाई करून एनजीओचे जे आहेत व्यक्ती त्यांना आपण कॉन्टॅक्ट केला। आमचे उपायुक्त आणि आमचे विभाग प्रमुखांनी तात्काळ कॉन्टॅक्ट करून जो कुत्रा आहे त्याला आपण ताब्यात घेतलेला आहे आणि सेंटरला सोडलेला आहे। या बाबतीत आपण उल्हासनगर महानगरपालिकेमार्फत डॉग सेंटरची निर्मितीचं काम आपलं ऑलरेडी चालू आहे। मागील 8 वर्षापासून ही निविदा झाली नव्हती, पण आता आपण निविदा प्रक्रियाही केलेली आहे आणि डॉग्सचं निर्विजीकरण केंद्राची पण निर्मिती आपण केलेली आहे। ते केंद्र आता फायनल स्टेजला आहे, एक साधारण 8-10 दिवसात आमची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि मग आपल्याला ह्या त्रासापासून थोडंसं सुटका मिळेल। आपलं UMC जे ऑफिस आहे ह्याच्या बॅक साईडला आपलं अग्निशमनचं ऑफिस आहे, त्या अग्निशमनच्या ऑफिसच्याच बाजूला आपण हे डॉग सेंटर तयार करतोय। ते ऑलरेडी ऑलमोस्ट सगळं तयारी झालेली आहे, फक्त काही केजेस बसवायचे आपल्या राहिलेल्या आहेत, त्या बसवल्या की आपण ते केंद्र कार्यान्वित करणार। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।